तो गाइस वेलकम टू सनी डैश। तो हाल ही में एक नया फिल्म शायद आ गया होगा रिलीज, जिसका नाम है 83। अब मुझे डाउट है कि क्या इसके क्रेज है, क्योंकि अभी जो हालत चल रहा है बॉलीवुड में कि मुझे डाउट होता है। जैसे मैं स्पाइडरमैन नो वे हूँ देखने गया था, मजा आया, पुष्पा में जुगाड़ करके देखा हूँ, और मैं इंतजार कर रहा हूँ कि RRR का। अब मैं एक आम आदमी, मतलब देख के समझ ही गए हो, मुझे जोगिंदर मुझे समझ समझना कि गाड़ी है, आईफोन है, फिर भी मेरे पास बोलूंगा मैं गरीब हूँ। मतलब मैं ये समझा रहा हूँ कि पैसा मैं इन्वेस्ट किया स्पाइडरमैन देखने के लिए, फिर मैं फिर से इन्वेस्ट करूंगा 83 देखने के लिए, फिर इन्वेस्ट करूंगा आरआरआर देखने के लिए। तीनों फिल्म एक दो हफ्ते का गैप में, डिफरेंस में साथ रिलीज हो रहा है, तो मैं क्यों पैसा खर्चा करूं? देखो मैं ये बुरा नहीं कह रहा हूँ, ट्रेलर अच्छा है, ट्रेलर में सब कुछ दिखा दिया, फिर भी हमको सोचा, मतलब सोच रहा हूँ कि आरआर तो आरआर का ट्रेलर भी तो बवाल है, पर आरआर में तो वैसा कुछ नहीं दिखाया, इसलिए मैं आरआर देखने के लिए तैयार हूँ। पर 83 का क्या क्रेज है कि नहीं, वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जैसे क्रिसमस चल रहा है, 83 रिलीज हो रहा है, 83 अगर रिलीज हो रहा है तो हमको लगता है उसका क्रेज होगा, पर वो खाली जो क्रिकेट का लवर्स है उसमें ही लिमिटेड है, उसके बाहर अभी तक नहीं आया, क्योंकि सब आरआर के लिए तैयार है, क्योंकि जनवरी में जो आने वाला है जो बवाल, वो सब कुछ को बिखार देगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि रणवीर सिंह बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, रणवीर सिंह ने बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रोक्स खेले फिल्म में, बहुत अच्छा अच्छा फिल्म बनाया है। तो मैं भी एक्साइटेड था कि मैं देखूं कपिल देव को एज अ रणवीर सिंह, कपिल देव के नजर से, मतलब उसका कैरेक्टर बेसिस में कैसा हो रहा है वो देखूं, पर पैसा नहीं है उतना भाई, मैं उतना पैसा कैसे करूं? यही एक दिक्कत है कि कोई भी अच्छा अच्छा फिल्म अगर टाइम टू टाइम एक साथ रिलीज हो तो वही प्रॉब्लम हो जाता है, और उसके साथ कंट्रोवर्सी भी होगा कि भाई तुमने ये फिल्म का बुराई क्यों किया। जस्ट लाइक एग्जाम्पल, कोई अगर स्टूडियोज का ही एग्जाम्पल दूँ तो आशीष चचलानी और मीट पैट को ज़्यादा करके बोलता है कि आप मार्वल के स्टूडियो से बुलाते हैं कि आप अपने मेरे फिल्म को देखो और उसे प्रमोट करो, जिसके वजह से फैन लोग गुस्से हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो मार्वल से पैसा खा के लोगों को बेचते हैं, जो कि ये सही है, क्योंकि वो लोग को ही स्क्रीनिंग मिलती है, वो भी मुफ्त में। बड़े यूट्यूबर है और बहुत सारे छोटे छोटे यूट्यूबर अभी भी गुस्से हैं, क्योंकि वो लोग आजकल, मतलब एक क्या है, एक ब्रॉडकास्ट देखा था जहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर ने बोला है, छोटे छोटे यूट्यूबर, जो छोटे मतलब जो इसका 100K 500K जैसा यूट्यूबर है, वो लोग बोल ही दिए कि हम लोग फ्री में प्रमोशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो जैसे एग्जाम्पल मैं 83 का बात कर रहा हूँ, मैं अभी थोड़ा सा अलग टॉपिक में मुद्दा में आ रहा हूँ, स्पाइडरमैन का ही बात करता हूँ। स्पाइडरमैन में अच्छा फिल्म है, पर क्रेज कौन लोग उठाए थे? यूट्यूबर लोग, फेसबुक मीम्स, ये लोग ही ज्यादा क्रेज उठाए थे। अब यूट्यूबर लोग बहुत गुस्से हो गए कि अभी मल्टीवर्स, अगर डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स जो मई में आएंगे, उसमें वो लोग बोला है कि वो लोग फालतू में कोई वीडियो नहीं बनाएगा, ब्रेकडाउन वेकडाउन वैसा कुछ बनाएगा नहीं, ऐसे ही छोड़ देगा। देखो एट द एंड में यही कहूंगा कि मजा आ रहा है, 83 है, पर 83 जो है वो बुरा नहीं है, पर मुझे चिंता ये है कि ये एक बॉलीवुड फिल्म है, क्योंकि इसमें मसाला कूट कूट के भरेगा, जैसे एग्जाम्पल भुज में किया है, हलवाई बना दिया है उसे। मतलब कुछ कुछ फिल्म अच्छा है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ बॉलीवुड फिल्म बहुत अच्छा होता है, पर मुझे टेंशन इसलिए होता है क्योंकि बॉलीवुड में रिस्क ज़्यादा होते, मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया हूँ बॉलीवुड फिल्म जाके देखने का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं विश्वास करना ही छोड़ दिया हूँ बॉलीवुड फिल्म से, कि बहुत कमी हॉल वाला जो फिल्म होता है जो बॉलीवुड में, ज़्यादातर मसाले डाल के ही रिलीज करते हैं, जिसके मुझसे भारी टेंशन है कि वो अच्छा होगा कि नहीं। खैर छोड़, भी मतलब जो भी हो, वीडियो तो आज रिलीज होगा या कल और उसके कुछ दिन बाद होगा तो पता नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, क्योंकि अभी तक भी बाकी है आना, और लाइक और सब्सक्राइब करो नए हो तो, क्योंकि मैं ये सब लेके कभी कभार छोड़ता हूँ। क्रेज है कि नहीं वो भी मैं सोच रहा था, कमेंट करके मुझे बताओ आप लोग की क्रेज है कि नहीं है। तो मिलता अगले नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।